what's up warrior, it's Amit, certified sports nutrition specialist and sport yoga instructor. Swagat hai Day-9 triple threat mein. Aaj ki warm up hum start karenge shoulder rotation se. Shoulder rotation ek bahut hi effective exercise hai apne rotator cuff ko warm up karne ke liye taki injury na ho. Aap 30 seconds front rotation kare and 30 seconds back shoulder rotation kare jaisa main video mein kar raha hu. नेक्स्ट है उत्तनासन. आपको अपनी घुटने स्ट्रेट रखनी है एंड आगे की ओर बेंड करें. आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अनुसार करें, हो सकता है आप जमीन को टच ना कर सको, इट्स परफेक्टली फाइन. सिर्फ ध्यान रखें कि लेग्स जितनी स्ट्रेट हो सके उतनी अच्छी बात है. ब्रीदिंग आपको नॉर्मली करनी है. जब आप ऊपर आए स्टार्टिंग पोजिशन में तब एक डीप ब्रेथ लें एंड ब्रीद आउट करें टू रिलैक्स. बिगिनर्स, आप 10 सेकेंड्स तक आसन को होल्ड करें एंड स्टार्टिंग पोजीशन में आएं जैसा मैं वीडियो में की है. एडवांस्ड, आप कंटिन्यूसली आसन 30 सेकेंड्स होल्ड कर सकते हो. नेक्स्ट है टॉय सोल्जर्स. आपको ऑपोजिट आर्म टू फुट टच करनी है. अगर आप लेफ्ट लेग से किक कर रहे हो देन राइट हैंड से टच करनी है. अगर आप राइट लेग से किक कर रहे हो देन लेफ्ट हैंड से. आप अपनी मोबिलिटी के अनुसार किक करें. ज़रूरत से ज़्यादा कस के किक करने से बॉडी डिसबैलेंस हो सकती है. आज की सर्किट हम स्टार्ट करेंगे बैंड स्क्वाट से. एडवांस एथलीट्स, आपको दो एक्सरसाइज बैंड यूज़ करनी है, एक अपने घुटनों के ठीक ऊपर एंड दूसरी काप मसल्स के ऊपर. बिगिनर्स, आपको एक एक्सरसाइज बैंड यूज़ करनी है, उसे घुटनों के ऊपर पहने. एक्सरसाइज बैंड आपके लेग्स को इनवर्ड्स पुश कर रही है. आपको लेग्स हमेशा आउटवर्ड पुश करनी है एंड स्क्वाट करनी है, नहीं तो दोनों लेग्स आपस में चिपक जाएंगे. एडवांस एथलीट्स, आपको वाइड ग्रिप प्लैंक में लेग्स एक साथ रखनी है एंड आप चाहे तो हैंड्स और वाइड कर सकते हो. जितनी ज़्यादा डिस्टेंस आपके हाथों के बीच होगी वाइड ग्रिप प्लैंक उतनी डिफ़िकल्ट होगी. आपकी बॉडी हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए. स्प्रॉल बेसिकली बर्पी की इजी वेरिएशन है. स्प्रॉल में हम केवल पुशअप नहीं लगाते हैं एंड जंप नहीं करते हैं इन दी एंड. आपको अगर स्टैमिना इम्प्रूव करनी है देन बॉडी वेट स्कल्ट 56 दिनों में सुधार लाएगी. मैंने 90% लोगों को देखी है जिम में सारा दिन वेट्स एंड मशीन यूज़ करते रहते हैं, जिससे कि स्टैमिना पे लोग ध्यान बिल्कुल भी नहीं देते हैं. आपको स्क्वाट एटलीस्ट 90 डिग्री सेट ज़रूर करें जैसा मैं वीडियो में कर रहा हूँ. आप एश टू ग्रास टेक्निक, मतलब पूरी नीचे भी जा सकते हो स्क्वाट्स लगाने के दौरान. आपने अक्सर देखी होगी लोग 100-100 किलो की बेंच मार लेते हैं पर 100 मीटर दौड़ने पे सांस फूलने लग जाती है. कारण है उनकी ट्रेनिंग प्रोग्राम ठीक से डिज़ाइन नहीं की गई है. वाइड ग्रिप प्लैंक में ज़मीन को कस के ग्रिप करें हाथों से एंड कोर को टाइट रखें हमेशा, जिससे आपको एक्सरसाइज लगाने में आसानी होगी. स्क्रॉल लगाते वक्त आपको ब्रीदिंग नॉर्मल रखनी है. सांस रोककर एक्सरसाइजेस बिल्कुल ना करें. स्क्रॉल आपके स्टैमिना को चैलेंज करने वाली है एंड डेफिनेटली आपके कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए मस्ट एक्सरसाइज है. नेक्स्ट सर्किट हम पुशअप से स्टार्ट करेंगे जो 30 सेकेंड्स कंटिन्यूसली लगानी है. पुशअप अगेन एक ऐसी एक्सरसाइज है जो ज़्यादातर लोग गलत लगाते हैं. गलत पुशअप की फॉर्म से मेन मसल्स जो पुशअप एंगेज करती है, चेस्ट एंड ट्राइसेप्स, वो ठीक से डेवलप नहीं होती है और तो और समय की बर्बादी भी होगी. क्लिक करें कार्ड नोटिफिकेशन ऊपर जिसमें मैंने पुशअप की ट्यूटोरियल वीडियो डिटेल में बनाई हुई है. बिगिनर्स, आपको रेजिस्टेंसिव बाइसेप्स कर्ल में एक हाथ से एक समय कर्ल लगानी है, जिससे कि एक हाथ एक समय ट्रेन होगी एंड दूसरे को रेस्ट मिलेगी. एडवांस, आपको दोनों हाथों से कर्ल करनी है ताकि कंटिन्यूस टेंशन बनी रहे आपके बाइसेप्स पे. आपको ब्रीद आउट करनी है जब हैंड्स चेस्ट के पास आए एंड ब्रीद इन करें जब हैंड्स लेग्स के पास रहें. लैटरल मूविंग बेयर क्रॉल में पहले आपको बीच पोजीशन में आनी है. हैंड्स एल्बोज एंड शोल्डर्स इन ए स्ट्रेट लाइन, नीज 1 से 2 इंचेस ज़मीन से ऊपर एंड बैक टेबल टॉप पोजिशन में. देन ऑपोजिट हैंड टू फुट मूव करनी है. अगर आप लेफ्ट हैंड से स्टेप ले रहे हो देन राइट लेग के साथ कोऑर्डिनेट करें. अगर आप राइट हैंड से स्टेप ले रहे हो देन लेफ्ट लेग के साथ कोऑर्डिनेट करें.
बिगिनर्स, अगर आपको पुशअप लगानी नहीं आती या दिक्कत हो रही है देन आप मेरी ट्यूटोरियल वीडियो से कोई इजी फॉर्म सेलेक्ट करें। जब आपकी चेस्ट ज़मीन की ओर आए तब ब्रीद इन करें एंड जब ज़मीन से दूर जाए तब ब्रीद आउट करें। रेशंस यू बाइसेप्स कर्ल लगाने के दौरान आप नोट करें मेरी बैक स्ट्रेट लाइन में है, ज़रा से भी मेरी बैक में मूवमेंट नहीं हो रही है। बाइसेप्स कर्ल मैंने देखी है, अक्सर लोग गलत लगाते हैं, जिसकी दो कारण हो सकती है। पहला, ज़रूरत से ज़्यादा भारी वेट्स अगर आप डंबल यूज़ कर रहे हो या ऐसी रिलेशनशिप सिलेक्ट की है आपने जो आपके कंट्रोल में नहीं है। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि लोग झटके से वेट्स उठाते हैं जिससे कि बाइसेप्स ठीक से ट्रेन भी नहीं होती है। दूसरी गलती जब फॉर्म गलत होती है वो है जब एक्सरसाइज लगाते लगाते थकावट बढ़ती है तब शोल्डर्स को लिफ्ट करते हैं जिससे कि अगेन बाइसेप्स से टेंशन हट जाती है। लैटरल मूविंग बेयर क्रॉल में आपको ज़मीन कस के जकड़नी है एंड मूव करें। बिगिनर्स, आप घुटने बीच बीच में ड्रॉप कर सकते हो अगर 30 सेकेंड्स होल्ड करने में आपको दिक्कत हो रही है। आज की आखिरी सर्किट हम शुरुआत करेंगे रिलेशनशिप चेस्ट प्रेस की सर्किट से। अगर आपको चेस्ट की थिकनेस बढ़ानी है तो चेस्ट प्रेस एक बेहतरीन एक्सरसाइज है। स्क्वीज करें एट द टॉप ताकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरह हो एंड आपको एक अच्छी पंप मिले। चेस्ट फ्लाई आपके चेस्ट की विड्थ के लिए है। आपको ब्रीथ इन करनी है जब हैंड ज़मीन के पास आए एंड ब्रीथ आउट करें जब हैंड्स ऊपर ले जाते हो। मैंने चेस्ट प्रेस एंड चेस्ट फ्लाई दोनों एक्सरसाइज में रिलेशनशिप को पीठ से दबाकर लेंथ छोटी की हुई है ताकि कंटिन्यूस टेंशन चेस्ट पे बनी रहे। आप इस एक्सरसाइज को डंबल से भी कर सकते हो अगर आपके पास रिलेशनशिप नहीं है। मेडिसिन बॉल बेयर क्रॉल होल्ड में सबसे पहले आपको बीच पोजीशन में आनी है, हैंड्स एल्बोज एंड शोल्डर्स इन ए स्ट्रेट लाइन। आपको मेडिसिन बॉल होल्ड करनी है एंड लैट्स को एंगेज करें। नोट करें मेरे घुटने हमेशा 1 से 2 इंचेस ज़मीन से ऊपर हैं। ब्रीदिंग आपको नॉर्मली करनी है, आपकी लैट्स ऑन फायर होने वाली है। रिलेशनशिप चेस्ट प्रेस मिनली एंगेज करती है पैक मेजर के मसल्स को एज वेल एज एंटीरियर डेल्टॉइड्स को भी। स्लो एंड कंट्रोल फॉर्म बनाए रखें ताकि आपकी चेस्ट की मसल्स अच्छी तरह एंगेज हो। रिलेशनशिप चेस्ट फ्लाई पैक माइनर एंड पैक मेजर दोनों को एंगेज करती है। आप नोट करें मेरे एल्बोज स्लाइटली बेंट है एक्सरसाइज लगाने के दौरान। मिलते हैं डे 10 की वर्कआउट वीडियो में। टेक केयर वॉरियर्स, दिस इज अमित साइनिंग ऑफ।